सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। सो दोस्तों, जिस एग्ज़ाम के पीछे आप पिछले काफ़ी लंबे समय से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वो एग्ज़ाम अब आ चुका है। 14, 15, 16 को आप सभी को पता है एसएससी ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी है। सभी स्टूडेंट्स जो JEE एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो निम्बस लर्निंग से और इंजीनियर्स एकेडमी से एक बहुत ही बड़े प्लान की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक ऐसा प्लान जो उनकी प्रिपरेशन को सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। आप सभी लोगों ने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा, जिसके अंदर हमारे डायरेक्टर सर ने JEE महोत्सव की घोषणा की थी। और इसी JEE महोत्सव को लेकर सभी बच्चों के बीच में ये क्यूरोसिटी जग रही है कि सर, ये JEE महोत्सव क्या है। देखिए, निम्बस लर्निंग एंड इंजीनियर्स अकेडमी एक मास्टर प्लान लेकर आया है। अगर आपने अपने प्रिपरेशन में कोई भी कमी छोड़ी होगी, तो ये मास्टर प्लान उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कर देगा। क्या है ये मास्टर प्लान? बच्चा अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के बाद में सोचता है कि सर, आखिरी के 14 दिन में, आखिरी के 15 दिन में हमें करना क्या है, जो 10-12 दिन बचे हैं आपके पास में, इनमें एग्जैक्टली हमें करना क्या है। तो उसके लिए हम निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी आप सभी के लिए एक बेहतरीन मास्टर प्लान लेके आए, जिसके अंदर आपके कंप्लीट रिविजन होगा, आपका प्रैक्टिस भी करवाएंगे हम लोग। किस तरीके से करवाएंगे, ये बड़ा ही आप लोगों के लिए सरप्राइज होने वाला है। और साथ के साथ आपको वो रियल फीलिंग देने वाले हैं एसएससी JEE एग्जाम के। क्या है मास्टर प्लान, क्या है उसका शेड्यूल, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए, ये जो JEE महोत्सव है, इसका आगाज होने वाला है 3 नवंबर से, और 3 नवंबर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं महामैराथन। आप देख सकते हैं, सबसे पहले चालू होगा थ्योरी ऑफ मशीन। तो इस थ्योरी ऑफ मशीन में डेडिकेटेडली एसएससी JEE के अंदर क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है, उन सब को बेहतरीन तरीके से हम लोग समराइज करते हुए एक ही दिन के अंदर कंप्लीट कहानी को आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं। 7 बजे शाम को चालू होने वाले हैं सारे मैराथन्स जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहां पर 3 नवंबर को। सो जो फर्स्ट डे होगा आपका, वो होगा थ्योरी ऑफ मशीन का। 7 बजे शाम को हम लोग इस थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास करने वाले हैं। ध्यान रखना, एक ही क्लास में पूरा थ्योरी ऑफ मशीन का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, वो हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा जो एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो 4 नवंबर है, उस दिन हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि सर, एक क्लास के अंदर कंप्लीट प्रोडक्शन कैसे होगा। ये हमारे लिए भी चैलेंज है और आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होने वाला है कि किस तरीके से इस छोटे से ड्यूरेशन में, मतलब लगभग 5 से 6 घंटे की आपकी क्लास रहेगी, इस छोटे से ड्यूरेशन के अंदर किस तरीके से हम लोग इसे कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो 5 तारीख को फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की क्लास होने वाली है, मतलब FM एंड HM दोनों की क्लास होने वाली है, और ये 5 तारीख को होने वाली है, 5 तारीख को शाम को 7 बजे। मतलब सारी क्लासेस जो है वो 5 तारीख को शाम को 7 बजे होने वाली है, चीज आपको ध्यान रखनी है। 7 बजे से क्लास चालू होगी और ये मिनिमम 5 घंटे की क्लास होने वाली है। अब डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कितना बड़ा है उस हिसाब से, लेकिन ये ध्यान रखना कंप्लीट करवाया जाएगा। इसीलिए बोला गया मास्टर प्लान, मतलब ये एक ऐसा प्लान है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखते हैं आप जो नेक्स्ट 6 तारीख को क्या होने वाला है। यहां पर लिखा गया है एसएससी JEE मॉक एग्जाम, मतलब जो एग्जाम आप 14, 15, 16 को देने वाले हैं, उसी का बिल्कुल उसी तरह का पेपर, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न हम आपको फील करवाने वाले हैं 6 तारीख को। देखिए, 6 तारीख को मॉक 1 होने वाला है और इसका सॉल्यूशन भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे आपको। ध्यान रखना, इसका सॉल्यूशन भी हम लोग करवाएंगे उसी दिन। इसका टाइमिंग वगैरह के बारे में आपको और अपडेट मिल जाएगा। 7 तारीख को बेसिक थर्मोडायनामिक्स और 8 तारीख को थर्मल एप्लीकेशन। आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना ज्यादा होता है। आप सभी लोगों को पता होगा FM एंड थर्मल पोर्शन का बहुत ज्यादा वेटेज हमें मैकेनिकल में देखने को मिलता है एसएससी JEE एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर 9 तारीख को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम चलने वाला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 9 को, ये क्लासेस भी शाम को 7 बजे ही चालू होने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर 10 तारीख को आपका दूसरा मॉक एग्जाम, मतलब इंडिया में कोई भी कोचिंग आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा कि आपको पूरा सिलेबस रिवाइज भी करवा दे, आपको एसएससी JEE एग्जाम के वो मॉक पेपर भी सॉल्व करवा दे, वो मॉक पेपर बिल्कुल एसएससी JEE जैसे आपको प्रोवाइड करवा दे, जिसपे ऑल ओवर इंडिया के सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। मतलब वो जो फीलिंग होगी ना, वो एग्जैक्टली एसएससी JEE एग्जाम जैसी फीलिंग होने वाली है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि उस मॉक पेपर को किसी कंडीशन में मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप रियल एग्जाम में कुछ गलतियां करने वाले हैं तो 5 तारीख को 6 तारीख को आप उस गलती को करें, ताकि आपको पता चले कि ये गलतियां मैं 14, 15, 16 को करने वाला था, तो 6 को ही वो गलतियां कर दो, उन गलतियों को इंप्रूव करके 10 तारीख को फिर बैठो हमारे साथ एग्जाम के अंदर, ऑनलाइन मोड पे ये एग्जाम होगा। और जैसे आप उस एग्जाम में बैठेंगे तो उन जो भी आपकी गलतियां हुई है उनको इंप्रूव करके आपको बैठना है,
और जैसे 10 तारीख का पेपर देंगे फिर से एनालिसिस कीजिए कि कितना मुझे स्कोर करना चाहिए था और कितना मैंने स्कोर किया है, कहाँ गलतियां हो रही है। ये सारी चीजें जब आप समझ जाएंगे उसके बाद में उसी दिन हम सॉल्यूशन में फिर मिलने वाले हैं कि कौन से सॉल्यूशन को आपने गलत समझ लिया, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को गलत किया। देखिए 3 तारीख से लेकर 10 तारीख का ये जो प्लान है ना, अगर इसको आपने परफेक्टली फॉलो कर लिया ना, तो यकीन मानिए कि अभी तक पिछले जो 6 से 10 महीने में आपने पढ़ा होगा ना, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका रिकॉल हो जाएगा। बहुत सी बार बच्चा बोलता है कि सर मैं पिछले 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी आपको नॉलेज के साथ साथ ये भी सिखाता है कि किस तरीके से एग्जैक्टली आपकी प्रिपरेशन चलनी चाहिए। अब वो समय आ चुका है कि जब जितना भी नॉलेज आपने गेन किया ना उसको कलेक्ट किया जाए और उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग वापस रिवाइज करें, वापस उसको अप्लाई करके देखिए कि 6 तारीख के मॉक में मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ, 10 तारीख के मॉक में मैं कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ। अगर इन दोनों में आप अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो तो यकीन मानिए 14, 15, 16 में से जिस भी दिन आपका एग्जाम होगा ना उस दिन भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। साथ के साथ अगर आप इन 6 और 10 को अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते तो आप इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि आपसे कुछ गलतियां हो रही है और अभी भी समय है, उन गलतियों को आप कहीं ना कहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन के लिए आप अपनी फैकल्टी से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको पर्सनली भी गाइड करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं वो बच्चे जो इस साल एग्जाम देने नहीं जा रहे ना वो भी दिमाग में रखें कि हमें अगले साल एग्जाम देने जाना है, तो क्यों ना हम भी इस सेशन के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से पार्टिसिपेट करें जिस तरीके से शायद जिस तरीके से वो बच्चा जो इस साल एग्जाम देने जा रहा है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, ताकि आपको 2 मौके मिले। ठीक है, अब मैं बात करता हूं। बहुत सारे मतलब इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 100 नंबर टेक्निकल का जो है वो तो आपने पूरा कवर करवा दिया, बट जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसके लिए कि आपके पास कोई स्ट्रेटजी। बिल्कुल, मैंने कहा ना मास्टर स्ट्रोक है ये हमारा। अगर ये हमारा मास्टर स्ट्रोक है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमने नॉन टेक के लिए भी बहुत बेहतरीन प्लानिंग की होगी। रीजनिंग 11 तारीख को आपकी रीजनिंग चलेगी और वो पूरे दिन चलने वाली है, मतलब दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक 3 स्लॉट में हमारी पूरी रीजनिंग की जो टीम है ना वो आपको पूरा कंप्लीट रीजनिंग का पोर्शन करवाने वाले हैं। यहां पर मतलब 50 नंबर की रीजनिंग है ना, तो 1 नंबर भी आपको गायब नहीं होने देंगे। कंप्लीट रीजनिंग की टीम इस दिन आपका रीजनिंग रिवाइज करवाने वाली है और उसके बाद में जनरल अवेयरनेस, मतलब अगले दिन 12 तारीख को 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारी पूरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी जनरल अवेयरनेस की। एक एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से आपको रिवाइज करवाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक हमने कंप्लीट आपको एक एक चीज रिवाइज करवा दी है, आपके मॉक पेपर भी करवा दिए है। तो 14, 15 और 16 तीनों में से जिस भी दिन आपका एग्जाम रहेगा ना उसके लिए आप परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। आपको कोई भी कमी अंदर से महसूस नहीं होगी, इवन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो डबल हो जाएगा। सो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मास्टर प्लान आप लोगों के लिए हमने डिज़ाइन किया ना ये आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो बिल्कुल आप इसे शेयर करते रहिए ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। साथ के साथ अपने आप को तैयार कर लीजिए कि जितने भी काम है सारे 2 तारीख को ख़त्म कर देना है। आपका अगर खुद का कोई प्लान है उसको 2 तारीख तक खत्म कर दो। 3 तारीख से आपका जो प्लान होना चाहिए वो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स अकेडमी के साथ में होना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो सिलेक्शन में डेफिनेटली कन्वर्ट होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो प्लान है ये डेफिनेटली आपको पसंद आने वाला है और इसके साथ आप जरूर जुड़िए। और भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको भी हमारे साथ जोड़िए ताकि इस प्लान में हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो और डबल हो जाए। तो डेफिनेटली मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग 3 तारीख को जरूर मिलने वाले हैं क्योंकि शुरुआत थ्योरी ऑफ मशीन से होने वाली है और ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होने वाली है। तो मिलते हैं 3 नवंबर को रात को 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। निम्बस लर्निंग ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.